Assalamu alaikum class second. Hope you all are fine by the grace of Almighty. Dear students, I am your English teacher. Take out your English book and turn page number 27. It's lesson number 9 and today's topic is about work and play. Dear students, ये एक poem है. क्या है? Poem. Poem हम नज़म को कहते हैं. किसको कहते हैं? नज़म को. Work and play. वर्क आप सबको पता है बच्चों, वर्क हम काम को कहते हैं, प्ले हम खेल कूद को कहते हैं. आज हमें इस पोम में क्या पढ़ना है? वर्क एंड प्ले. बच्चों आप सबको ये ध्यान में रखना है, ये जो पोम है ये हमें, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें काम के वक्त काम करना चाहिए और खेलने के वक्त हमें खेलना चाहिए. लेकिन काम के साथ साथ हमें खेल कूद भी जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे हमारी जो हेल्थ है वो फिट एंड स्ट्रांग रहती है. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें काम के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, हमारे लिए खेल कूद भी जरूरी है. और इस पॉइंट से हमें ये भी पता चलता है कि हमें कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी के लिए ठीक नहीं होता है. हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए, ना कि हमें एक साथ एक सारे काम करने हैं, क्योंकि हर एक काम को करने का अपना एक वक्त होता है. हमें काम के वक्त काम करना चाहिए, खेलने के वक्त हमें खेलना चाहिए और खाने के वक्त हमें खाना चाहिए. लेट्स रीड. वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले. बच्चों काम के वक्त काम, खेलने के वक्त खेलना है. ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमें काम के वक्त काम करना है और खेलने के वक्त हमें खेलना है. यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए, ये खेल रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए पढ़ रहा है ना. तो खेलने के वक्त हमें खेलना है और पढ़ने के टाइम हमें पढ़ना है. दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे. और वही रास्ता बनता है खुशी का और बेफिक्र रहने का. क्योंकि जैसे ही हम काम के वक्त काम करेंगे और खेलने के वक्त हम खेलेंगे, उससे हमें खुशी फील होगी, उससे हमें खुशी फील और हम बेफिक्र रहेंगे, तभी हम बाकी काम को अंजाम दे सकेंगे. ऑल दैट यू डू डू विद योर माइंड. बच्चों जो कुछ भी हम करते हैं, जो कोई भी हम काम करते हैं, डू विद योर माइंड, हमें ताकत से के साथ करना चाहिए, हमें एनर्जी के साथ करना चाहिए, फुल पावर के साथ करना चाहिए. थिंग्स डन बाय हाउस आर नेवर डन राइट. कोई भी काम, कोई भी चीज अगर हम आधा अधूरा करते हैं वो कभी सही नहीं होता है, वो कभी सही नहीं है, वो गलत है. इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये बात याद रखनी है कि आपको कोई भी काम आधा नहीं करना है, आपको कोई भी काम ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है. वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल. एक वक्त में हमें एक काम करना चाहिए और वही सही तरीका है. बच्चों मैंने आपसे पहले ये डिस्कस किया कि हमने एक ही टाइम पे सारे काम नहीं करने चाहिए, एक वक्त में हमें एक काम को अंजाम देना चाहिए. जैसे खेलने के वक्त हमें खेलना है और पढ़ने के टाइम हमें पढ़ना है. इज अ गुड रूल. और ये ही जिंदगी का उसूल होता है और ये ही जिंदगी का एक रूल होता है और ये अच्छा रूल है. और ये अच्छा रूल है कि अगर हम खेलने के वक्त खेलेंगे और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करेंगे और हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे. ये हमारे लिए गुड रूल है, ये हमारे लिए एक अच्छा उसूल बनता है. As money can tell, क्योंकि सब ऐसा ही कहते हैं. अब बच्चों सब क्या कहते हैं? सब कहते हैं कि खेलने के वक्त खेलो और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, और कोई भी काम कोई भी चीज हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अधूरा नहीं छोड़ना, उसे पहले पूरा करना है, वही हमारे लिए बेहतर होता है. Moment should never be wasted away. बच्चों जो भी लम्हे हम बिताते हैं, चाहे हम घर में बिताते हैं, चाहे हम स्कूल में बिताते हैं, कभी भी वो जाया नहीं होते हैं, वो कभी जाया नहीं होते हैं. सो वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले. इसीलिए क्या कहते हैं कि काम के वक्त काम करो और खेलने के वक्त खेलो. बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये
आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको खेलने के वक्त खेलना है और पढ़ने के वक्त आपको पढ़ना है, और कोई भी काम आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम अधूरा छोड़ेंगे वो हमारी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। हमें खुशी नहीं मिलेगी उससे। और हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो हमारी बॉडी है वो फिट एंड स्ट्रांग रहेगी। इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप इसका अच्छे से घर में रीडिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जो भी हम मटेरियल आपको फॉरवर्ड करेंगे वो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।